Hey guys, this is Nikhil Pandey and welcome you again to our YouTube channel। दोस्तों, ऐसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में बताया था, इसके डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको टोटली बता दिया था, इसका इंट्रोडक्शन बताया था, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उसके बारे में मैंने बता दिया था, एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब्ट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की क्या प्रॉपर्टी होती है, सब मैंने बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद या तो वो वीडियो देख करके हैं फिर ये वीडियो देखें। अब आई वाले टैग पर अगर आप प्रेस करते हैं तो वहाँ जा करके आप वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे भी हमारे वीडियो का लिंक दिया हुआ, आप एकदम आराम से देख लीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ तो लिया हमने, अब कुछ सॉल्व भी कर लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। कर तो सभी लेंगे लेकिन आप कितने कर पाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ। मैं आपको बता दूं कि आपके तीन एक्सरसाइजेज हैं, 1A, 1B, 1C, और मैं आपको एक एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से बता करके सॉल्व करवा कर ख़त्म करता हूं, ठीक। तो चलिए देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर वो मॉड के अंदर हो तो बाहर निकल करके प्लस में आएगा। तो 425 तो ऐसे पॉजिटिव है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 425, ये इसका आंसर हो गया। एंड अदर जो सॉल्यूशन है वो आप ध्यान से देखें, क्या दिया हुआ है, मॉड के अंदर माइनस है तो कोई बात नहीं, 618 प्लस में ये आपका क्या आ गया, आंसर हो गया। अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था कि कोई अभय है, उनके अंदर निगेटिविटी भरी हुई है, तो किसी ने उनको पॉजिटिव बना तो दिया लेकिन अगर उनका माहौल बैकग्राउंड भी निगेटिव है तो वो भी निगेटिव रहते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ये अंदर जो चीज़ है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी +873 तो हो जाएगा, लेकिन मॉड के बाहर जो है मगर निगेटिव है तो निगेटिव ही होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करना समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक्स कि एक्स की वैल्यू निकालना है। जब एक्स क्या हो, मॉड में, अब तक क्या था कि वैल्यू मॉड में था, अब एक्स मॉड में आ गया, तो अब देखिए आप क्या करेंगे। मॉड में कोई भी चीज़ रहे बाहर आके प्लस हो जाएगा, और इस केस में देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से अगर आप समझेंगे तो समझ पाएंगे कि मॉड एक्स = 44 दिया हुआ है। तो जब यहाँ से हम मॉड हटाते हैं तो इसके दो वैल्यूज़ आती हैं। जैसे मान लीजिए होता है √4, तो अगर हम रूट हटाते हैं तो +-2 लिखते हैं, यानी एक बार +2 आता है, एक बार -2 आता है। तो अगर हम मॉड भी हटाते हैं तो मॉड हटने के बाद इसकी क्या आती है, दो वैल्यूज़ आती हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई +44 और एक क्या आ गई -44, ये आपका आंसर हो गया। अब देखें क्या आ गया, अरे सर अब क्या होगा, तो मॉड के साथ प्लस आ गया, कुछ मत करिए, एक्स आ गया तो आप लिख दीजिए mod(x) = इसको उस साइड भेज दीजिए, ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा 24 - 2, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, mod(x) = 22। अब mod अगर आप हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x = +22 and -22, ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या करना है, अब mod के अंदर -x आ गया, मैंने क्या बोला, माइनस है प्लस है, अगर mod के अंदर है तो बाहर प्लस ही आता है, तो अगर मैंने mod हटाया तो हमारा आ गया x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +12 and -12, है ना। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1, उम्मीद करना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि बहुत ही सिंपल है, राइट दीज नंबर्स इन ऑर्डर, यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ है इसको ऑर्डर में लिखना है। मैंने आपको बताया था नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ 0, यहाँ पर प्लस में 1, +2, यहाँ पर होता है +3, और यहाँ क्या होगा -1, -2 और -3। तो बड़ा क्या होता है 2, फिर सॉरी बड़ा 2 होता है, उसके से छोटा 1, उससे छोटा 0, उससे छोटा ये चलता रहता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा दिया +18 और -18 तो बड़ा कौन सा होगा, +18 होगा, और ना कि -18। अगर सिंपल में समझें, मान लीजिए +18 है और ये -19 है, तो बच्चे क्या करते हैं, -19 मार के आते हैं, सर बड़ा है, जी नहीं, जो प्लस में है हमेशा वही बड़ा है, ठीक। तो समझें, अब देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि छोटे से बड़े पर चलना है। तो निगेटिव में एक ये होता है रूल कि जो निगेटिव होता है, निगेटिव में जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो अक्सर सबसे छोटा होता है। जैसे -10, -8, तो -10, अगर ये -9 हो तो 10 बड़ा होता, लेकिन माइनस लगा तो सबसे छोटा कौन सा है, सॉल्यूशन में हम करेंगे स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाना, तो -10 ही होगा, है ना। -10 के बाद क्या है, -8, इससे बड़ा क्या हम लोग को दिख रहा है, तो इससे बड़ा हम लोग को दिख रहा है +2, इससे बड़ा क्या है, तो इससे बड़ा है +5, इससे बड़ा है +9 और इससे बड़ा क्या है +16। ये आपका आंसर हो गया। यानी निगेटिव में जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो सबसे छोटा माना जाता है। ठीक, तो -10 -8 2 5 9 एंड देन 16। अगला क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है। ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी हम छोटे से बड़े पर गए, बड़े से छोटे पर जाना है। देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, ये 300 तो है लेकिन ये माइनस में है, ये 100 है तो ये प्लस में, अच्छी बात है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो अगर हम बात करें तो पॉजिटिव यहाँ पर हमें सिर्फ एक दिख रहा है, वो भी कौन सा 100। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा 100 होगा। उससे छोटे की अगर हम बात करें तो हमें क्या दिख रहा है, 0 ही दिख रहा है। उससे छोटा हमारा क्या होगा 0। यानी कि जो हमारा 0 होता है वो माइनस के किसी भी नंबर से बड़ा होता है। हमारा जो 0 होता है वो माइनस के किसी भी नंबर से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ठीक, तो 100 हो गया, फिर हमारा क्या हो गया 0 हो गया। फिर हमें कौन सा डिजिट दिख रहा है, जो छोटा दिख रहा है यानी सबसे बड़ा हमें दिख रहा है। इसके बाद तो अगर देखा जाए ध्यान से तो ये है -56। फिर अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा क्या है -181। फिर क्या है -250 एंड देन -300। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं बच्चों कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, आप ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलतियां करके चले आते हैं लेकिन गलती करने से कोई चीज़ नहीं है, इसमें बहुत ईजी है। मैं यहाँ पर अगर लिख भी दूँ ईजी तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा, है ना। चलिए द टेबल गिवन बिलो, यानी इस टेबल के बारे में बात किया जा रहा है। द टेबल गिवन बिलो शोज दिखाता है द एलिवेशन रिलेटिव टू सी लेवल। एलिवेशन किसका दिखाता है, सी लेवल का। और 4 लोकेशंस, 4 लोकेशन दिए हुए हैं, कौन कौन से, P, Q, R, N, H। ठीक, टेकिंग सी लेवल एज 0, यानी कि सी लेवल को हमें क्या मानना है, 0 मानना है। ठीक, सी लेवल हमारा मान लीजिए ये है तो इसको हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। इसके नीचे जो होगा वो इसका डेप्थ होगा, यानी ये बिलो होगा, क्या होगा इसका डेप्थ होगा। और ऊपर क्या होगा, तो ऊपर इसका हाइट होगा, है ना। इसके ऊपर जितनी चीज़ें होंगी। टेकिंग सी लेवल है 0, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि हम क्या मान लेते हैं कि सी लेवल जो है 0 है। यहाँ पर लोकेशंस दिया हुआ है, यहाँ पे एलिवेशंस दिया हुआ है। एलिवेशंस इन एम का मतलब है कि एलिवेशंस किस में दिया हुआ है आपको, तो एलिवेशंस आपको दिया हुआ है मीटर्स में। जिन बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है मैं लिख दे रहा हूँ, एलिवेशंस किस में दिया, मीटर में दिया हुआ है। ठीक, आइए अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच लोकेशन इज द फारदेस्ट फ्रॉम सी लेवल, यानी कि सबसे ज़्यादा दूर सी लेवल से कौन सा लोकेशन है। अब ये मैटर नहीं करता कि वो पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, मैटर ये करता है कि दूर कौन सा है ना। क्योंकि अगर मैं सी लेवल को 0 ले लेता हूँ तो अगर हमारा +1800 दिया हुआ है और ये जो है -1900, तो समुद्र में सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर की बात होगी। नीचे के लिए हम नेगेटिव का यूज़ कर रहे हैं, ऊपर के लिए पॉजिटिव का यूज़ कर रहे हैं, तो दूरी तो उतनी होगी ना। तो हमें क्या बताना है, विच लोकेशन इज़ द फारदेस्ट फ्रॉम सी लेवल। तो देखिए सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है, -205 छोटा है, -1200 भी छोटा है, सॉरी माफ़ करें +1200 होगा। ये भी क्या है, बड़ा तो है लेकिन -1800 250। ठीक, तो ये जो -1800 हम लोग का है वो सबसे ज़्यादा डिजिट में दिख रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, R होगा। यहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, R, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि -1800 है। ठीक है, क्योंकि लोकेशन आपको बताना है ना, तो आर का लोकेशन बताना है, एलिवेशन नहीं बताना है। ठीक, अगला, विच लोकेशन इज़ द नियरेस्ट टू द सी लेवल। सी लेवल के एकदम नियरेस्ट कौन सा होगा, तो 205 हो गया और 250 हो गया, तो कौन सा पास में हो गया, 205। फिर मैं बोल रहा हूँ मैटर नहीं करता माइनस में है कि प्लस में, क्योंकि ये 250 मीटर ऊपर है और ये 205 मीटर नीचे है ना। तो कौन सा ज़्यादा पास में हो, तो 205 मीटर वाला, तो आप लोकेशन कौन सा डालेंगे, P। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, P, और ये आपका आंसर हो जाएगा। हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो ये अरेंज द लोकेशन इन ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट लोकेशन। अब देखिए ग्रेटेस्ट टू लीस्ट बोला हुआ है, इसका मतलब क्या है, अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था ग्रेटेस्ट मतलब प्लस और स्मॉलेस्ट मतलब माइनस, है ना। तो ये गलती मत करके आएगा कि -1800 बिलो सी लेवल है कि एबव है। बिलो एबव से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ आपको बोला ग्रेटेस्ट टू लीस्ट बताना है। तो ग्रेटेस्ट यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, Q, सबसे बड़ा कौन सा है, Q हो गया। उसके बाद पॉजिटिव में कौन सा है, S। उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव में कौन सा जो कि बड़ा होगा, यह है -205 यानी कि P। और एट लास्ट हमारा क्या आएगा, R। तो ये आपका हो गया आंसर, यानी Q, S, P, R हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको सॉल्व। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऐड द फॉलोइंग, यानी आपको ऐड करना है। किसको ऐड करना है? इनको ऐड करना है। मैं आपको बताता हूँ कैसे ऐड करना, ध्यान दीजिए। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस मान लेते हैं, प्लस और प्लस मिलकर के क्या होता है? प्लस ही होता है। इन दोनों को ऐड करना है तो 5 + 2 कितना हो गया? 7। 4 + 6 10। 1 + 3 यानी 13 + 1 14 + 1 1507। ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, माइनस और ये भी माइनस। देखिए ये तो माइनस है और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, मैंने क्या बताया था? प्लस और माइनस अगर दो नेगेटिव साइन है तो ऑलवेज हम क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। और मैंने क्या बताया था? माइनस माइनस क्या करते हैं? प्लस करते हैं, लेकिन बड़े डिजिट के सामने जो साइन होता है उसको लगा देते, तो माइनस लगा देंगे। लेकिन इन दोनों को हम करेंगे क्या? प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस करते हैं ना। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। 9 + 7 कितना हो जाएगा? 16। 5 + 2 7 + 1 8 और ये 2, तो -2867। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 15 यानी कि 15 - 8 कितना हो गया? 7। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 - 1 कितना हो गया? 5। और यहाँ 4 - 1 क्या हो गया? 1। तो -157 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी तरह देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस इंटू माइनस तो माइनस, तो इसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी कि बड़ा डिजिट जो है उसके सामने माइनस का साइन तो माइनस और प्लस इंटू माइनस होता ही है तो माइनस करेंगे। यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 10 - 2 8, यहाँ पर हो गया 9 - 6 3, तो -388 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये तो आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपका क्या है? 1159 प्लस में है, प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 1159 यानी 1159 में 1159 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि ये और ये डिजिट क्या है? सेम है। अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो इन दोनों को ऐड कर दिया जाता। अगला देखिए, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, बड़े डिजिट के सामने प्लस तो आँख बंद करके क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो 12, अब देखिए हमें करना क्या? माइनस करना है ना, तो 2 - 0 हो गया 2, 11 - 2 9, 7 - 3 कितना हो जाएगा? 492। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें तो ध्यान दीजिए, बड़ा डिजिट प्लस छोटा डिजिट माइनस, तो क्या कर देंगे? माइनस ही कर देंगे। तो 12 - 8 4, यहाँ पर बचा 2 - 2 0 और 4 - 1 304 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन? माइनस, तो माइनस का यूज़ करते हैं, लेकिन इसको करेंगे क्या? प्लस। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा? 13, 6 + 1 7 और ये कितना हो जाएगा? 173 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -728 प्लस 415 कर लीजिएगा। यहाँ पर 650 प्लस और ये क्या? माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 650 प्लस 175 सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस 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 फिर प्लस करेंगे, लेकिन बड़े डिजिट के सामने जो साइन रहेगा यहाँ लिख करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करना है। फिर देखिए यहाँ पर माइनस तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ये क्या है? माइनस है, बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन? प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बाकी के क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। सो स्टूडेंट्स चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए जो कि हमारा 6, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई करना है इसे में, क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दैट सॉल्व, इतना ही है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले दिया क्या है आपका? -18 को ऐसे ही लिख लीजिए, +12 को ऐसे ही लिख लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 16। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा? -18 + 12 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा, +4 -16 कितना हो जाएगा? -12 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस, लेकिन बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन है? माइनस, तो किसकी साइन आएगी? माइनस की। अब 12 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आ गया आंसर? 18। सिंपल है यार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपना, लिख लीजिए 378 माइनस इंटू माइनस प्लस 14 माइनस 18 प्लस 185। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। 378 को 14 में ऐड कर लीजिए, 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12, 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 + 1 9, 3 को एज इट इज लिख देंगे माइनस। अब देखिए 185 और 18 यानी 185 में किसको माइनस करना है 18 को माइनस करना है, लेकिन बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन है प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। गलती करके मत आइएगा एग्जाम में, इन दोनों को मैंने प्लस किया, बड़े डिजिट के सामने प्लस का साइन था तो प्लस का लगा, ये छोटा ये बड़ा ना अपोजिट साइन तो नेगेटिव, लेकिन बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन है प्लस तो प्लस लगेगा, और इन दोनों को आपस में क्या करना है माइनस करना है। तो 15 में से 8 गया आ गया 7, 7 में से 1 गया 6 और ये आ गया 1, और ये आपका हो गया आंसर। नहीं इतनी जल्दी नहीं, अब ये एक और स्टेप बढ़ा लेना क्योंकि इसको ऐड करना है। तो 7 + 2 हो गया 9, 9 + 6 कितना हो गया 15, और 3 + 1 4 + 1 559 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करें समझ में आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा है। फिल इन द ब्लैंक्स एंड द प्रॉपर्टी यूज्ड, यानी कि हमें ब्लैंक जो दिया हुआ है जगह उसको फिल करना और बताना कि कौन सी प्रॉपर्टी है, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया था किसके इंटीजर्स के। तो देखिए ये क्या है 32 + डॉट - 42। अब देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने क्या बताया था a + b = b + a। तो a क्यूब को मैंने क्या मान लिया 32, b को मान लिया ये, फिर क्या होगा b + a यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, ये हमारा क्या होता है a + b = b + a। तो b की वैल्यू कितनी है -42, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे -42 प्लस इंटू माइनस ऐसे भी माइनस होता है, a की वैल्यू कितनी है 32, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा ये हो गया 32 आ गया आंसर। तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा a + b = b + a, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी देख लेते हैं a + b + c और a + b + c, ये कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था a + (b + c) ये किसके बराबर होता है a + b + c के बराबर। देखिए यही दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ पर वही दिया है। ये हो गया आपका a, ये हो गया b, ये हो गया c, और ये आपका क्या हो गया a, ये हो गया b और ये क्या हो गया c। तो a की जगह कितना है 64, तो यहाँ पर आंख बंद करके लिख दिया 64। b की जगह -11, b की जगह -11 दिया हुआ है, c की जगह 8, तो c की जगह हमारा कितना आ गया 8 आ गया आंसर। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये तो था कम्यूटेटिव और ये कौन सा एसोसिएटिव है ना। लास्ट वाला देखिए +(−4) -4 प्लस इतना और लास्ट में आया -4। एक प्रॉपर्टी और है जो कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है मैं जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो होता है इसके अंदर क्या होता है हमारा, तो ध्यान से देखें हमारा होता है a + 0 = 0 + a = a, यानी कि किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड करेंगे या किसी भी नंबर से ज़ीरो को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा वो नंबर आएगा। यहाँ भी वही है 0 + (−4) = -4 + 0 = -4। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। पहला कम्यूटेटिव, दूसरा एसोसिएटिव और तीसरा आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट बाकी क्वेश्चंस को तुरंत सॉल्व क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 8। राइट दी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है आप ध्यान से देखें, अगर कोई वैल्यू दिया है प्लस में तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस, अगर कोई वैल्यू दिया है माइनस में तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा प्लस। बस यही करना है। पहला 28 तो आंसर -28, -125 तो +125, 0 तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होगा, माइनस तो होगा नहीं। मॉड ऑफ -89 ये ध्यान दीजिएगा, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +89 क्या हो जाएगा 89, लेकिन एडिटिव इनवर्स निकालना है इसका, अब एडिटिव इनवर्स इसका क्या हो जाएगा माइनस। ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। उम्मीद करना आपको समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके बता देते हैं आपको। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है ना। तो आपको दिख रहा है, हम बस इसको ले लेते हैं क्या करने के लिए क्वेश्चंस लिखने के लिए। देखिए क्या दिया हुआ है, रोड ऑन अ रोलर कोस्टर ही वॉज एट एन एलिवेशन ऑफ 55 मीटर एबव, यानी 55 किस में हो गया प्लस में हो गया। मीन सी लेवल व्हेन ही स्टार्टेड द राइड, ड्यूरिंग द राइड द एलिवेशन चेंजेस एज +412 मीटर, हर जगह लिख दीजिएगा आप लोग है ना, -125 मीटर्स, फिर क्या करना है आपको +272 मीटर्स, आफ्टर दैट -343 मीटर्स इसके बाद जहाँ हम देख पा रहे हैं +490 मीटर्स। घबराइएगा मत, बस आपको यही करना है -640 मीटर्स एंड एट लास्ट इट वाज टोटल +50 मीटर्स। बस देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चंस लिखा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक, तो ये आपको सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा इजी है, टफ नहीं है। काफ़ी बच्चों को टफ लगता होगा तो ये गलत चीज़ है उनकी। ठीक, देखिए 55 मीटर प्लस ये प्लस दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें ऐड करना है, फिर इसको ऐड करना है, फिर इसको ऐड करना है। तो अब एक काम करें, चलिए हम शुरू से करना शुरू करते हैं। 55 में अगर 412 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 467 मीटर्स। -125 प्लस 272, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, बट बड़े डिजिट के सामने प्लस का साइन है तो प्लस। क्या कर देंगे, 12 - 5 कितना हो जाएगा, 7, फिर 6 - 2 4 एंड 2 - 1 1। ओके, नाउ अनदर इज प्लस एंड माइनस, तो क्या हो जाएगा, बड़े डिजिट सामने प्लस, करना क्या है माइनस ही करेंगे। 10 - 3 7 एंड ये हो जाएगा 8 - 4 4 और ये हो जाएगा आपका 4 - 3 1। ओके, फिर जहाँ तक हम देख रहे हैं इसको हो गया -640 एंड +50, तो -640 +50 बड़ा डिजिट माइनस के सामने है तो माइनस, -640 +50 तो कितना आ जाएगा -590। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए एक आगे स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 147 आपको दिख रहा होगा है ना, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 7 + 7 14, 6 + 4 10 + 1 11, 4 + 1 5 + 1 6, आफ्टर दैट प्लस। अब देखिए प्लस हुआ कि माइनस, माइनस हुआ, क्योंकि बड़े डिजिट के सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो क्या हो जाएगा 10 - 7 3, 8 बचा 8 - 4 4 और ये कितना हो जाएगा 5 - 1 4। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको मिलेगा क्या, प्लस इंटू माइनस माइनस, बड़े डिजिट सामने प्लस का साइन तो प्लस, 4 - 3 1, फिर आपका कितना बचा 11 - 4 कितना हो जाएगा 7, 5 - 4 1, तो 171 मीटर। और ये क्या है आपका प्लस आया है तो इसको आप बोल देंगे एबव सी लेवल। ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, बस दो को सॉल्व करते जाइए, वैल्यू पुट करते जाइए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। प्लस आया तो एबव सी लेवल, माइनस आ जाएगा तो माइनस से या फिर बिलो सी लेवल। ठीक, चलिए दोस्तों देखिए अपना अगला क्वेश्चन जो है, और मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में ये ना सिर्फ असेसमेंट में बल्कि आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है, हाफ ईयरली में भी आ सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं तो देखिए क्या, मैं भी एक बार पढ़ देता हूँ। द बेस ऑफ द हवाइन वोल्केनो मोनोलोआ इज अबाउट 13,000 मीटर बिलो द मीन सी लेवल। मान लेते हैं सी लेवल क्या है, 0 है। सी लेवल क्या है, 0 है। अब क्या बोला, 13,000 बिलो है, 13,000 क्या है, बिलो द सी लेवल है। फिर आपसे क्या बोला, 4170 मीटर्स एबव द मीन सी लेवल, 4170 मीटर्स ये क्या है, एबव द सी लेवल है। ये तो आर्टिकल था, क्वेश्चन पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में माइनस कर देंगे या कहेंगे अरे सर ये तो माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे। समझिए क्या करना है, इसके बीच का डिफरेंस पूछा है, यानी कि ये 0 से कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा है, और ये 0 से कितना नीचे है, इतना नीचे है। तो इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से इसको समझिएगा। 13,000 ठीक प्लस 4170। अब आप कहेंगे कि सर आप प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 0 से इतना नीचे ये है और उतना ऊपर क्या है, ये है ना। तो इसके बीच का जब हमसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तभी ना इसका डिफरेंस निकल करके आएगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, मान लीजिए कोई रोड है और यहाँ तक मान लीजिए कुछ, मान लेते हैं कि रोड यहाँ से कटा हुआ है या सीधे गया है ना। अब आपसे बोल दिया गया कि ये जो पूरा डिस्टेंस है ये x मीटर का है, कितने का, x मीटर का, और बता दिया गया कि ये कितने मीटर का, x/2 मीटर का है, कितने मीटर का, x/2 मीटर का, ये सेंटर है। तो अब क्या होगा भैया, आपको जब ये निकालना होगा तो कैसे निकाल पाएंगे, इतने में से इसको माइनस करेंगे तब तो ये आ पाएगा हमारा, टोटल में से इतना माइनस करेंगे तब ये आएगा। उसी तरीके से आपको क्या करना है, माइनस तो करना ही था लेकिन आपको क्या करना है, इतना ये दिया हुआ और इतना ये दिया हुआ, यानी कि बोल रहा है कि 0 से इतना ऊपर और 0 से इतना नीचे, इसलिए हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस कर देना। देखें डिफरेंस क्या आएगा इसका, तो 0 7 1 17,170 मीटर। और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से देखें। जीरो क्या है, सी लेवल है, सी लेवल के इतना नीचे और सी लेवल के इतना ऊपर। मैं पूछा इसके उसका डिफरेंस कितना है, यानी कि जीरो से अगर हम इसको निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो ये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 और आखिरी क्वेश्चन सॉल्व। तो फ्रेंड्स देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज 11-1A का। इसको भी देख लें क्या लिखा हुआ है, एन एलिवेटर 12 मीटर बिलो ग्राउंड, यानी 12 मीटर क्या है, बिलो ग्राउंड था ये, है ना। फिर क्या दिया हुआ है, डिसेंट्स टू अ पॉइंट, यानी कि 100 मीटर ही और नीचे गया। 12 मीटर था, 100 मीटर कहाँ गया और नीचे गया। तो अब क्या बोला है, व्हाट इज़ द चेंज इन द एलिवेशन ऑफ द एलिवेटर, यानी कि 12 मीटर था, 100 मीटर और नीचे गया, यानी घट करके गया। तो कितना हो जाएगा टोटल, -88 मीटर्स। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। ये पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। चलिए जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज 1B।